आइए शुरू कर रहे हैं मैं अपने लेक्चर नंबर 9 से, जिसका नाम है अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपको सारे लेक्चर देते जा रहा हूँ, सारे टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते जा रहे हैं। अब हम अपने लेक्चर नंबर 9 पे आ गए हैं, जिसका नाम है इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट का, किसी भी मैटर के लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में बदल जाना, उसका मेल्ट, उसका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले। देखिए हमको पता है कि लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर क्या है, हमारी सिंपल वाटर लिक्विड वाटर है, जब बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस जब रीच कर जाता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद वो बॉइल करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो वेपर्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है, जब बॉइलिंग पॉइंट आने के पहले ही वेपर बनने शुरू हो जाए, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाए, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। ठीक है, आप इवेपोरेशन का मतलब समझिए। इवेपोरेशन की डेफिनेशन पढ़िए, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स मेल्टिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए होता कैसे है, देखिए लिक्विड हम अपना वाटर लेते हैं, मानिए मैंने एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने लिक्विड भर रखा है। ठीक है, उसके नीचे वाले लिक्विड मैंने आधा कंटेनर भर रखा है, ठीक है वाटर। अब नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उस वाटर के, वो आपस में एक दूसरे से ढंग से जुड़े हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाले हैं उन पे हीट तो डायरेक्ट पड़ रही है ना। अब मेरी बात मानते नहीं मानते, बिल्कुल उन पे हीट डायरेक्ट पड़ रही है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। जब आसपास की हीट उन पे जल्दी पड़ेगी, सनलाइट उन पे जल्दी पड़ेगी, सबसे पहले पड़ेगी नीचे जाने से पहले, तो उनको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलती है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज मूव करेंगे, और ज्यादा तेज मूव करने से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके बीच के बंधन को तोड़ना आसान होगा। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनको और दूर करना आसान है। जब लिक्विड स्टेट लगभग गैस होने वाली थी, हल्की सी हीट जब मिल गई, हल्की सी हीट जब आसपास की हीट या सनलाइट उसको मिल गई, तो वो गैसियस स्टेट में आ गया। आप मेरी बात समझ गए, नहीं तो आप इवेपोरेशन का मतलब तो समझ ही गए हैं। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अगला फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहली बात, सरफेस एरिया। आप अपने वाटर को लीजिए, जो लिक्विड आपका वाटर है उसको एक प्लेट में लीजिए और एक गिलास में लीजिए। एक गिलास में लेने के बाद आप उन दोनों चीज़ों को ही प्लेट में लिया हुआ वाटर और ग्लास में लिया हुआ वाटर को, दोनों को ही खुली धूप में छोड़ दीजिए, ओपन एयर में छोड़ दीजिए, ऊपर छत पर रखाइए, रूफ पे अपनी। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो प्लेट में मैंने जो वाटर लिया था वो जल्दी इवेपोरेट हो गया, जबकि जो मैंने ग्लास के अंदर वाटर लिया था वो इवेपोरेट नहीं हुआ है, वो अभी तो बहुत कम इवेपोरेट हुआ है। तो उससे हमको क्या पता चलता है, जैसे ही हम ज्यादा एरिया में वाटर को डाल देते हैं, जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है टेम्परेचर को भी बढ़ाने से। टेम्परेचर आसपास की गर्माहट, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगा। आप मेरी बात समझ गए। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब है ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में हमारे जब वाटर प्रेजेंट है, जब रेन हो जाती है, जब बारिश हो जाती है, उसके बाद वही एक्सपेरिमेंट प्लेट वाला करके देखिए, तो उतनी जल्दी वाटर नहीं उड़ जाएगा, उतनी जल्दी इवेपोरेशन नहीं हो जाएगा। इसका कारण ये, क्योंकि पहले से ही जब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी एयर के अंदर ज्यादा है, तो वो क्यों लेना चाहेगी, और लेगी भी तो बहुत कम लेगी ना। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी, जब हवाएं ज्यादा तेज बहेंगी, जब हवाएं ज्यादा तेज चलेंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ लेके चली जाएंगी, तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। हाँ, मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन ये सीधा आता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण हमको ठंडक क्यों महसूस होती है, तो इसका आंसर ये है, जो एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए जो एनर्जी, जो लिक्विड पार्टिकल्स जो है हमारे, जब इवेपोरेशन हो रहा था उस टाइम उन्होंने आसपास की एनर्जी को, आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण वो गैसियस स्टेट में खत्म चेंज हो गया था। अब उनकी जो एनर्जी जो कम हुई है, जो पार्टिकल्स की दूर दूर आ गए ना, तो एनर्जी कम हो गई है, वो दोबारा चाहते हैं कि उनको एनर्जी फिर से मिल जाए, तो इस कारण वो आसपास की हीट को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी एनर्जी गेन करने के लिए। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है, तो आसपास की जब हीट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, मैटर के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली,
तो आसपास तो हीट बची ही नहीं ना, ठंडक दिखेगी। समझ में आ गया? Absorption of energy by liquid particles to regain the energy lost during evaporation makes the आसपास की जगह cool, surroundings cool. ठीक है? हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं समर्स में? है भाई, गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बेंट है हमारी स्वेट का, हमारे वाटर का, जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, स्वेट है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, समझिए, वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है, और एक बार जब स्वेट एब्जॉर्ब हो गया तो इवेपोरेशन होगा और हमारी बॉडी ठंडक महसूस करेगी, जिसको मैं बोलता हूँ कूलिंग सेंसेशन आ जाएगी हमारे अंदर, हमको ठंडा ठंडा महसूस होगा. कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जिसको हम स्वेट कह रहे हैं, एब्जॉर्ब स्वेट ऑफ आवर बॉडी, मेक्स बॉडी कूल बाय इवेपोरेशन. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है हमारा, why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? यानी कि एक ठंडे पानी के गिलास के बारे में water droplets कैसे दिख जाती हैं? क्या वो ग्लास लीक कर रहा है? नहीं जी, समझे आप इस बात को? ये क्यों दिखती हैं आपको ठंडे पानी के गिलास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स? क्या उससे बाहर आई है? नहीं. फिर कैसे दिखती है? आस पास के जो एटमोसफेयर में जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, जिन जो एनर्जी लेके अब अपने वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं इवेपोरेशन के कारण, जब वो वाटर से इंटरैक्ट करते हैं, जब उन्हें पानी दिखता है तो वो उनका कूलिंग, वो पानी ठंडा होता है, ठंडे पानी के बाहर ही क्यों दिखती है हमको? तो अपनी एनर्जी को जो उन्होंने गेन करके, जिसके कारण वो गैसियस गैस की फॉर्म में घूम रहे थे या वेपर्स बना के घूम रहे थे, वो एनर्जी को लॉस कर देते हैं और जाके उसके ग्लास की आउटर सरफेस पे चिपक जाते हैं और वही हमको वाटर वेपर की तरह, वाटर वेपर्स की तरह दिखता है. तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियली खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. इसके बाद हमको एक मोर टू नो भी पढ़ना है, जो कि एनसी, जो कि हमको एग्जाम में लिख के आना नहीं होता, लेकिन हमको जाना जरूरी है. मोर टू नो नाम से एक चैप्टर के एंड में हमको एक चीज दे रखी है, जिसमें हमको दो स्टेट्स बता रखी है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. उसके बारे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, 1 से 2 मिनट का होगा वो, देखिएगा. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर चैनल मैन.